क्या हाल है आप सबके। आज अंतिम प्रहार में पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर पेडिग्री एनालिसिस करा दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो ये समझिए कि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स टेलीग्राम चैनल पर डाले और आपको उनसे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मेरी शिकायत ये है कि आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। मैं आपसे ये कहूँगा कि अटेम्प्ट करिए, खुल के अटेम्प्ट करिए, गलत हो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसे ठीक करके आगे बढ़ेंगे। अपना एक माइंड सेट पॉजिटिव कीजिए। तो एक पेन और कॉपी लीजिए और आराम आराम से पेडिग्री एनालिसिस को समझिए। क्वेश्चन नंबर वन आपसे ये पूछ सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या है, क्यों खास तौर पे इसको ह्यूमंस में किया जाता है। सो आप दो में से एक आंसर देखेंगे वहां पर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि ह्यूमंस में चॉइस मेटिंग्स नहीं होती। होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, टेस्ट क्रॉस नहीं किया जा सकता। नंबर टू, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेनी होता है। 9:3:3:1 रेशो तब आएगा जब 16 प्रोजेनी होंगे। इसलिए हम रिजॉर्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। ये वो सिंबल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको ये आने चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहां पर कुछ पेडिग्री है तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मान के चलिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इस ऑटोसोमल डोमिनेंट को मान के चलना है। हो सकता है ये हो या हो सकता है ना हो, आपने जीनोटाइप बताना है इंडिविजुअल्स का। सो मैं ये पहली पेडिग्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सो इस तरह से समझते हैं, जल्दी हमें है नहीं, प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा टाइम लगाइएगा ताकि अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप आसानी से इसको समझ सकें। तो हमने कहा कि इस ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर हम कह रहे हैं तो ये बात तय है कि इसके पास एक कैपिटल ए डोमिनेंट अलील है, दूसरी हमें पता नहीं कौन सी है। ये स्मॉल ए होना चाहिए, ये स्मॉल ए होना चाहिए, ये स्मॉल ए होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब मुझे बताइए अगर ऐसा है तो ये कैपिटल ए कहाँ से आया जब किसी भी पेरेंट के पास में कैपिटल ए नहीं है। तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की हो सकती है। आपने कहा नहीं हो सकती। उम्मीद है पहली चीज आपको समझ में आ गई। सेम एक्सरसाइज दोबारा करिए, ये वाली पेडिग्री इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब आप इसको अटेम्प्ट करिए और आप वीडियो को रोक सकते हैं और बताइए क्या 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 जीनोटाइप आप बता सकते हैं। तो आपको ये पता है कि ये स्मॉल ए है, आपको पता है ये स्मॉल ए है, ये ए, दूसरा हमें पता नहीं, ये ए और दूसरा हमें पता नहीं। अब मुझे बताइए कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैपिटल ए कहाँ से आया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये स्मॉल ए यहाँ से आया, एक और स्मॉल ए कहाँ से आया, वो यहाँ से आया होगा। सो हमें समझ में आ गया कि हाँ अब की बार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो सकती है। आपने कहा हाँ सर ये पॉसिबल हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कंक्लूड क्या करेंगे इन दो से, इन दो एग्जांपल से उन पेरेंट्स के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे जिनके बच्चे में एक डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट दिख रहा है। तो अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हों। और अगर किसी एक पेरेंट में डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट तो बच्चों में दिख रही है, दिस इज गेटिंग एक्सप्लेन्ड। पर ये नहीं हो सकता कि बच्चे में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है और पेरेंट्स किसी में भी ना हो। इस वाली स्लाइड से हमने इतना काम किया, धीरे धीरे करिएगा। अब इसी तरह से मैं एक और पेडिग्री आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, अभी भी हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट ही मान करके चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। वीडियो पॉज करिए और देखिए, आपको पता है ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, ये ए, दूसरा आपको पता नहीं और ये दूसरा आपको पता नहीं, लेकिन ये स्मॉल ए भी हो सकता है, यहां पर स्मॉल ए भी हो सकता है और फिर ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं इनमें स्मॉल ए कहां से आया। सो इज इट पॉसिबल दैट द पेडिग्री इज फॉर एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, द आंसर इज यस। सो ये पॉसिबल है।
फिर कंक्लूजन निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि क्या दो इंडिविजुअल जिनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है उनका अनअफेक्टेड बच्चा हो सकता है? आंसर है हाँ हो सकता है, अगर ये दोनों कैरियर हैं तो, ये दोनों हिट्रोजाइगस हैं तो, डिजीज कंडीशन में हिट्रोजाइगस को कैरियर कहा जाता है, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो बच्चा हो सकता है उसमें कोई भी लक्षण दिखाई ना दें, वो अनअफेक्टेड हो। तो आपने कहा कि ये बात हमने समझ ली और यहाँ पर आपने अपना कंक्लूजन लिख लिया। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपी और पेन में कुछ जरूर लिखते रहिए। सो चलिए एक और करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब की बार हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा, मान के चल रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर है तो ये स्मॉल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ये स्मॉल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ये ए दूसरा हमें पता नहीं कहाँ से आया। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हमने कहा इज इट पॉसिबल दैट द पेडिग्री इज फॉर एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट? आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है। इस वाले को भी करिए, सो एक और पेडिग्री करिए तेजी से और बताइए कि यहाँ पर फिर आपने जीनोटाइप लिखना है। आप मान के चलिए कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव दिया हुआ है वो है, बाद में देखिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सारे स्मॉल ए हैं, ये सारे स्मॉल ए हैं और बड़ी आसानी से एक्सप्लेन हो रहा है। सो ये बड़ी आसानी से एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पर आपने कहा इज़ इट पॉसिबल दैट द पेडिग्री इज़ फॉर एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट? आपने कहा हाँ जी ये पॉसिबल है। अब यहां पर वो कह रहे हैं इफ अ ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द चिल्ड्रन इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड? अगर दोनों बच्चे अफेक्टेड हैं तो ये नहीं हो सकता कि बच्चा अफेक्टेड ना हो, और अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। ये आपने कंक्लूजन निकाल लिया। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। आगे चलिए फिर करिए इस काम को, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हमने ये कहा कि ये वो पेडिग्री है, लेट अस सी कि यहां पर अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये कंडीशन क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये स्मॉल ए होगा। ये आपको पता है कैपिटल ए हमें नहीं पता, दूसरा क्या है ये कैपिटल ए हमें नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता। सो अगर इनमें से कोई भी कैरियर है, ये दोनों कैरियर हैं, अगर ये दोनों कैरियर हैं तो ये बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। सो यहाँ पर इज इट पॉसिबल that the pedigree is for an autosomal recessive trait? So हम ये कह रहे हैं yes. So देखिए शब्द देखिए is it possible? बार बार हम कह रहे हैं क्या ये possible है कि नहीं है वो बात नहीं, अभी yes possibility है कि ये autosomal recessive हो सकता है। अगर एक trait autosomal recessive है तो आप क्या conclude कर सकते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके parents affected नहीं है? जिनके parent affected नहीं है उनमें बच्चों में trait हो भी सकता है, दिख भी सकता है, बीमारी हो भी सकती है और वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। ये कंक्लूजन है, दोनों के बारे में कंक्लूजन निकालना है। उम्मीद है आप इसे फॉलो कर रहे हैं। एक और पेडिग्री, इसको आपने ऑटोसोमल रिसेसिव कहना है और फिर देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। सो मैं तेजी से यहां पर इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि इस किस पेडिग्री पर हम फोकस कर रहे हैं वो मेरे हाईलाइट से आपको समझ में आ जाए। और फिर हम यही करेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है और हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। तो ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल ए स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा और ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। क्या ये बात आप समझ गए कि ये क्यों कैपिटल ए स्मॉल ए होगा? कैपिटल ए इसलिए क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, स्मॉल ए इसलिए क्योंकि एक अलील तो इस फीमेल पेरेंट से इसको मिलेगी ही मिलेगी। कैन इट बी एक्सप्लेन? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, दे कैन बी ए डैश। सो ये बड़ी आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो सकता है? आपने कहा हाँ सर हो सकता है। और रिसेसिव ट्रेट आप देख रहे हैं कि जनरेशन को स्किप करता है, बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की बात करेंगे तो स्किप इनहेरिटेंस की दोबारा बात करेंगे। उम्मीद है ये वाली
स्लाइड भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब की बार हमने ये कहा कि हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब हम कह रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। सो दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सो दिस इज नॉट ऑटोसोमल, अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सो अगर ये कंडीशन बेटे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेंट अलील होनी चाहिए। यहां पर म्यूटेंट अलील होगा नहीं, इस कंडीशन को हेमीजाइगस कहते हैं। मेल इज हेमीजाइगस, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसका काउंटर पार्ट नहीं है। सो इस पर अगर म्यूटेंट अलील भी हुई तो मेल अफेक्टेड होगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के लिए मेल कैरियर नहीं होगा, फीमेल कैरियर हो सकती है। और आपने कहा ये एक्स कैपिटल ए वाई है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आप जानते हैं, फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स को मिलता है और सन का एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। रोक करके ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स के पास जाता है, सन्स का एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। मदर के पास जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है उस पर म्यूटेंट अलील है, ये उसके लड़के में बीमारी ना हो ये नहीं हो सकता। सो इसका मतलब इज इट पॉसिबल दैट पेडिग्री इज फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर मदर अफेक्टेड है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से तो 100% सन्स क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ये बात तय है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हेमीजाइगोसिटी है। दोबारा करिए, इस वाली पेडिग्री को देखिए। हमने कहा, अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर हमने कहा ये एक्स स्मॉल ए है, ये एक्स कैपिटल ए वाई है, और यहां बताइए ये क्या है एक्स स्मॉल ए वाई, क्योंकि ये अफेक्टेड है, बिल्कुल हो सकता है। सो हमने कहा अभी तो ऊपर हम कह के आए हैं कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सन जो है वो अफेक्टेड होगा, क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। फिर आते हैं एक और पे, सो एक और करिए, इधर देखिए, एक इस वाले, फिर बात वही है, आपने ये मान के चलना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। हमने कहा ये क्या है एक्स कैपिटल ए वाई, ये क्या है एक्स स्मॉल ए, और ये क्या है बेटे एक्स कैपिटल ए, दूसरा हमें नहीं पता। ये कैरियर हो सकती है, गारंटेड है ये हो सकता है, ये गारंटेड है। इसको तो हम एक्चुअली लिख सकते हैं कि ये एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए होगा। मैंने ये क्वेश्चन मार्क क्यों हटाया? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा, एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा। डॉटर्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक वो अपनी मदर से इनहेरिट करती हैं, एक अपने फादर से इनहेरिट करते हैं। सो ये बिल्कुल एक्सप्लेन हो रहा है। इज इट पॉसिबल दैट द पेडिग्री इज फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? द आंसर इज यस। सो हमने ये कहा कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सन में बीमारी जरूर होगी, अगर डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सो यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर मदर में डिजीज है तो सन में डिजीज जरूर होगी, अगर मदर में डिजीज है तो ये हो सकता है कि डॉटर में डिजीज ना हो, प्रोवाइडेड फादर नॉर्मल है, प्रोवाइडेड फादर नॉर्मल है। सो यहां वाली बात भी आपने कंक्लूड कर ली कि अगर मदर में डिजीज है और ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो डॉटर हो सकता है केवल कैरियर हो, बिल्कुल कैरियर ना हो ये तो हो नहीं सकता, कम से कम कैरियर तो जरूर होगी, क्योंकि मदर में एक डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, लेकिन अगर फादर नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल हो सकती है। उम्मीद है ये सारे कंक्लूजन आप कर रहे होंगे। इधर देखिए, यहां पर फिर मदर अफेक्टेड है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मदर और डॉटर में दोनों में डिजीज है तो ये एक्स स्मॉल ए और एक्स स्मॉल ए है, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा जो अफेक्टेड नहीं है, तो क्या ये बात तय है कि ये पॉसिबल है नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्स स्मॉल ए है, यहां पर बेटे ये दूसरा एक्स स्मॉल ए कहां से आया? सो आई होप यू आर अंडर स्टैंडिंग। यहां पर अगर मदर और डॉटर में डिजीज है और ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो फादर जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। उम्मीद है आप ये बात मेरी समझ रहे होंगे। अभी जो मैंने सारे कंक्लूजन निकाले हैं अब आप लिख लीजिए। सो अब आप अपनी एक कॉपी पेंसिल लेकर के सारी चीजें लिख लीजिए,
आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं उन बच्चों के बारे में जिसकी मदर अफेक्टेड है एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर से? अगर मदर अफेक्टेड है तो क्या सन नॉर्मल हो सकता है? अगर मदर अफेक्टेड है तो क्या सन में डिजीज होगी? अगर मदर अफेक्टेड है तो क्या ऐसा हो सकता है कि डॉटर में डिजीज ना हो? और अगर मदर और डॉटर अफेक्टेड है तो क्या ये हो सकता है कि फादर अफेक्टेड ना हो? ये सारे कंक्लूजन पॉइंट वाइज यहां पर लिख लीजिए। एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब की बार ध्यान से देखिएगा बेटे, अब की बार हमने ये कहा कि यहां पर ये एक्स कैपिटल ये एक्स स्मॉल ए वाई है, ये भी एक्स स्मॉल ए वाई है, और यहाँ पर एक तो एक्स कैपिटल है ए है और दूसरा हमें पता नहीं, तो हो सकता है ये कैरियर हो, और इसके कुछ सन्स क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज येस, दिस इज पॉसिबल। विच पेरेंट डिड द सन गेट द एक्स ए जीन फ्रॉम? यहाँ पर ये जो सन है इसको ये एक्स ए जीन क्या यहाँ से आई है? द आंसर इज नो। अगर किसी फादर और सन में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए, अगर अफेक्टेड नहीं है तभी सन में डिजीज आती है, फादर से सन में नहीं जा रही है, मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट फादर टू सन ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स? क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एक जो बच जाता है, एक और, चलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एक और बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर दोनों में ये डिसऑर्डर है, सो इसका जीनोटाइप आप कैसे लिखेंगे? एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स स्मॉल ए वाई। क्या ये नॉर्मल हो सकता है? क्या ये लड़की नॉर्मल हो सकती है? द आंसर इज नो, ये नहीं हो सकती। आप याद करिए, आपने जब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन देखा था जिसमें दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड थे, उसमें भी सारे बच्चों में डिजीज थी। ये पैरेलल देख रहे हैं आप, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी अगर कंडीशन ये है कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, मेल या फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द चिल्ड्रन इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? सो अभी हमने कंक्लूड किया सब में ये सब अफेक्टेड होंगे इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से। ये कंक्लूजन कैसे कंपेयर करता है? जब आपने ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बात करी वहां पर भी हमने ये कहा था कि अगर दोनों पेरेंट्स ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से अफेक्टेड है तो सारे बच्चों में ये अफेक्टेड होंगे इस पर्टिकुलर ट्रेट से। आगे देखिए, डू द कंक्लूजन दैट यू मेड फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट अप्लाई टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? तो हम ये कह रहे हैं कुछ में करता है, लेकिन यहां पर कल हम देखेंगे कि सेक्स भी इन्फ्लुएंस करता है इनहेरिटेड ट्रेट्स में, यहां तो कर रहा है, अभी हमने कंक्लूजन निकाला। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे, सबसे आसान है, इसके बारे में कल के वीडियो में भी आपसे बात करूंगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को पहचानने का नीट लेवल पर सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर फादर में डिजीज है तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। सो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम काफी है, दिमाग लगाइएगा, अगर फादर में डिसऑर्डर है तो ये फादर एक्स कैपिटल ए वाई है, ये एक्स क्रोमोसोम तीनों डॉटर्स को मिलेगा। सन्स में डिजीज नहीं है, सन एक्स क्रोमोसोम फादर से नहीं लेते, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स का फादर से आता और एक ही काफी है डोमिनेंट डिसऑर्डर करने के लिए। सो हम ये कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल दैट दिस इज एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट? द आंसर इज येस, दिस इज पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। Is it possible that the mother of an affected son is not affected by an X-linked dominant trait? So, अगर मान लीजिए son में, अगर मान लीजिए son में बीमारी है, तो ये तय है कि mother में भी होगी। अब की बार mother carrier नहीं हो सकती, क्योंकि dominant trait के लिए carrier नहीं होता, वो recessive condition के लिए हो सकता है, dominant trait के लिए carrier नहीं होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। Is it possible for a daughter of the father affected by X-linked डोमिनेंट ट्रेट नॉट टू बी अफेक्टेड? सो अगर फादर ये है तो एक एक्स क्रोमोसोम तो डॉटर के पास जाएगा ही, और एक डोमिनेंट यूनिट फैक्टर काफी है डिजीज करने के लिए। सो अगेन द आंसर इज नो, अगेन द आंसर इज नो। सो आप चाहें तो यहां पर दो पेडिग्रीज हैं, आप इनको एक बार एनालाइज करिए, देखिए कि क्या क्या मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है। मैं स्क्रीन को छोड़ देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कल मैं पेडिग्री एनालिसिस पर आपके साथ एक और इससे थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन, थोड़े से ऊपर क्वेश्चंस के साथ में पेडिग्री करूंगा। तब तक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके आंसर दीजिए। और यहाँ पर बेटे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो पेडिग्री में आपको उतनी घबराहट नहीं होगी, कल जो बची कुची है वो भी गायब हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड।